विधान, क्या हो गया? गेम खेलना बंद करो, हमारे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक सोचो, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारा वीडियो सुपर हिट हो गया इंटरनेट पे, अब हम स्टार्स बन चुके हैं, तो थोड़ा एंजॉयमेंट जरूरी है। नहीं, एंजॉय करना जरूरी नहीं है, हमारा वीडियो जरूरी है, आइडिया सोचो। तुम सोचो, मैंने स्मार्ट लड़की से शादी इसीलिए की थी ताकि वो आइडिया सोचे और मुझे सोचना ना पड़े, है ना? मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ महाराज काका से पूछने कि क्या बना। अचारी सैंडविच। क्या महाराज काका को आता होगा ये बनाना? ओहो, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है ये, मेरे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है ये, हम लोगों को सिखाएंगे कि अचारी सैंडविच कैसे बनाते। नहीं, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं सुना इसका नाम। एग्जैक्टली, तभी तो लोग जाके वीडियो देखेंगे और फिर जब बनाएंगे तब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हमारे वीडियो पे लाइक्स आएंगे। करेक्ट। क्या बात है, तू ऐसे कमाल के आइडियाज लाती कहां से हो यार? जीजी माँ, भूख लग रही है और सैंडविच खाने का मन कर रहा है, कुछ और बना दूं क्या बिट्टू? देख, ब्रेड तो है लेकिन मक्खन नहीं है, और जो मैंने जैम बनाया था ना अमरूद का, वो भी खत्म हो गया। मेरा मन सैंडविच खाने का ही है, और बिना बटर और जैम के कौन सा सैंडविच होता है? टंटना, पेश है अचारी सैंडविच बिना बटर और जैम के। इसमें क्या है? इसमें है अचार, टमाटर, सेब और ढेर सारा प्याज। और ढेर सारा स्वाद भी। मैंने आज तक ऐसा सैंडविच नहीं खाया। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? अब विधान, वीडियो बनाते वक्त तुम भी सीख लेना कि कैसे सैंडविच बनाते, ताकि जब बेबी आने के बाद मैं आराम करूंगी तब। बेबी आए ना आए, तुम्हें मैं ढेर सारा आराम देने वाला हूं नौकरी वाली, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि तुम मुझे सैंडविच बनाना सिखा दो, तो चले सिखाओ मुझे। अभी नहीं, मतलब कैमरे के सामने किचन में। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एप्रन बिना शर्ट के पहन लूं क्या? थोड़ी बॉडी बॉडी दिखेगी, लाइक्स बढ़ेंगे उससे। बॉडी बॉडी दिखेगी। शट। नहीं, माफ कर दो। सुमन। सुमन। अरे इतनी हिम्मत, चोरी करेगी? तो यो गांव चोरों का है, चोरों का। नारायण की लुगाई ने कंपनी के माल की चोरी की, इसके हिसाब में से 4 तकड़ी गायब निकली। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कहा कि 4 तकड़ी के पैसे मेरे हिसाब से काट लेना, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। चुप कर बेकारन, तू चुकाएगी? एक मंगी चोर कहीं की, तकली के बदले साड़ी, जितना माल उतनी बुनाई, वापस यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके बाहर जिसने भी हाथ पैर मारे वो चोरी है। तुम लोगों ने क्या लगा कंपनी सरकार बेवकूफ है, कोई हिसाब ना होगा? तुम लोगों के खून के एक एक कतरे का और हर एक सांस का हिसाब रखूं मैं? ऐसे ही कंपनी सरकार ने मने पावर ना सौंप रखी नारायण। थारी आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं, लेकिन जो अगली बार थारी लुगाई ने गलती की ना, तो याद रखियो किसी और काम के काबिल ना छोड़ूंगा इसमें। सुमन, नरेनी, ये सब यहां पर क्या हुआ? छोटी बहू,
ये क्या, तुमने तो हमारी पूरी रसोई पे कब्जा कर ली है, हमें भोजन बनाना है ना। काका आप टेंशन मत लो, हमारा वीडियो शूट होते ही हम आपको किचन वापस सौंप देंगे। विधान जल्दी आओ ना। चलो 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 रेडी। विधान क्या हो गया, तुम ऐसे वीडियो शूट करोगे? शर्ट कहाँ है तुम्हारी? अरे ये स्टाइल है, सलमान खान को नहीं देखा तुमने? इसी से लाइक्स मिलेंगे हमें। देखो मैं फेस हूँ इस वीडियो का, और जो भी ग्लैमर है मेरी वजह से है, इसलिए तो पुशअप्स कर रहा था मैं, देखा था। अच्छा ठीक है, पर डायलॉग स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना, उसमें अपने स्टाइल में डाल देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो रोलिंग एंड एक्शन। हाय व्यूअर्स, कभी सोचा है कि घर में बटर या जैम ना हो तो भी सैंडविच बनाया जा सकता है? बिना बटर और जैम के सैंडविच कैसे? सीखोगे? तुम सिखाओगी और मैं ना सीखूं, तुम्हारी बात कभी टाली है मैंने। तो आज हम बनाएंगे अचारी सैंडविच। नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, बारीक कटे टमाटर, अचार और सेब। इसमें ब्रेड, मिर्ची 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 कट 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 पानी पानी पापा पानी। हाँ, अरे ये मेरे घर है, मिर्ची नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, आ मिर्ची मिर्ची कट करो कट करो। विधान विधान विधान, रुको वीडियो एंड कर देते ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो आया ना मजा बनाने में, खाने में और भी मजा आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वाह, कट 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 कट। क्या हो गया, सन्नाटा क्यों से इतना? तू सही कह रही थी लज्जर, अब इतना सब कुछ सुनना पड़ा सिर्फ इसलिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं। सारी जिंदगी मेहनत की पर गरीब के गरीब, हमें कोई चोर कह जाता है, कोई बेइज्जती कर देता है सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। गरीबों के लिए इस जगत में कोई जगह नहीं है। बनानी पड़े से सांप रेंग रेंग के अपना रास्ता बनावे से, कट फोड़वा सुने से पेड़ पे चोंच मार मार के अपना घर बनावे से। मारी माँ कहवे थी कि अनमोल मोती ने भी घने गहरे समुद्र में सीप बन के बुनना पड़े से, वो भी सालों तक। पॉइंट की बात तो यो से पूंजा जी कि भगवान ने दुनिया तो सबके लिए बनाई से, लेकिन इस दुनिया में अपनी अपनी जगह हर जीव जंतु ने खुद ही बनानी पड़े से। और जब जीव जंतु अपनी जगह बना लेवे तो हम लोग तो फिर भी इंसान सो हो कि ना, फिर क्यों जीव जंतु से भी गंदी जिंदगी गुजार रहे सो? अपना फ्यूचर खुद लिखो, अपना काम खुद करो। ये सब करने के अलावा कोई चारा ना से जिंदगी में आगे बढ़ने का, समझ गए? तू सही कह रही लेजर, बहुत कर ली चाकरी, हम लोग कारीगर हैं और मारा हुनर ही मारी ताकत है, और ये हुनर दूसरों के लिए क्यों खर्चा करे? रावत इंडस्ट्री की पेड़ी को तोड़ने का समय आ चुका है। शोम जी, काम के वक्त काम, हजार बार कहा है तुमसे फोन साइलेंट पे रखो। जी मैडम जी। हाय व्यूअर्स, कभी सोचा है कि घर में बटर या जाम ना हो तो भी सैंडविच बनाया जा सकता है? छोटी बहू और विधान बाबा का एक नया वीडियो आया है। और एक वीडियो? जी मैडम जी। तुम्हें कैसे पता? वो मैडम जी, मैंने उनके चैनल को लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है। बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम उन्हें बढ़ावा दे रहे हो? ना ना मैडम जी, मारो ये राधु ना हो, वो तो मंगला को पसंद आयो तो लाइक किया और सब्सक्राइब इसलिए किया कि पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो डाल रहे हैं, है ना? मिर्ची 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 पानी का। अरे
क्या हुआ? नहीं मैडम जी, रहने दीजिए, आपसे देखा ना जाएगा। दिखाओ। नहीं मैडम जी, आप ना देखो। मैंने कहा दिखाओ। मैडम जी कह रहा हूँ आप ना देखो, फिर भी आप कह रही है तो। आया ना मजा बनाने में, खाने में और भी मजा आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। क्या बकवास है? मैडम जी मैंने तो बहुत स्वादिष्ट लगे, मतलब कि बहुत लोगों को पसंद आए हो ना, लाइक क्यों है तो। लोगों को क्या है, आजकल कोई भी उठता है कुछ भी बनाता है और इंटरनेट पे डाल देता है। लोगों के पास आजकल कुछ काम नहीं है। सही कहा आपने मैडम जी। देखिए ना, हाँ पिछले वाले को 4000 लाइक मिले थे और इस वाले पे तो शायद कोई कमेंट भी आयो है। काश मैं भी विधान के जैसा पति होता जो बीवी के इशारों पे नाचता। विधान अपनी पत्नी की बात मानते हुए कितना क्यूट लग रहा है, एकदम ड्रीम हस्बैंड। पतियों को विधान से सीखना चाहिए कि पत्नी की बात मानने में ही समझदारी है। विधान जैसा जोरू का गुलाम मुझे भी चाहिए, जो कभी भी साड़ी पहन लेता है, कभी भी खाना बना लेता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि विधान ये सब कुछ कर रहा है। विधान रावत, रावत इंडस्ट्रीज का वारिस, ऐसी ऊंची हरकतें कैसे कर सकता है? मैडम जी विधान बाबा तो मासूम है, वो क्या करे है? सब छोटी बहू करवाए हैं। सच कह रहे हो तुम शो, उस नियति ने मेरे विधान को पालतू कुत्ता बना के रखा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैं नियति को रावत खानदान की इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगी। काफी शौक है ना उसे वीडियोस बनाने का, लगता है उसके इस छोटे से शौक को एक बड़ा सा शौक देने का समय आ गया है। भैया मुझे ये एक दो लोगों के कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ लोग हैं जिनकी सोच गिरी हुई है, जो ये मानते हैं कि अगर पति ने पत्नी की मदद कर दी तो वो जोरू के गुलाम हो गए। छोटे तू इन कमेंट्स के बारे में मत सोच। भैया नियति वीडियोस बनाना चाहती थी, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। जो कमी वो अपने अंदर महसूस करती है, मैं चाहता हूँ कि वो उसे भूल जाए। जब भी उसके चेहरे पे हंसी देखता हूँ ना तो बहुत खुशी होती है। और तुम दोनों को देख के मुझे खुशी होती है। देख ये जो कमेंट्स है ना, इनके बारे में बिल्कुल मत सोच। जो तेरा दिल कह रहा है ना बस वही कर। आपकी सलाह लाखों में एक होती है, दिल जो कह रहा है उसे सुन। भैया आप अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं क्या? कई दिनों से देख रहा हूं आपका कहीं मन नहीं लगता, बिजनेस में भी नहीं, वो बिजनेस जिससे आप इतना प्यार करते हैं। अपने दिल की बात सुनिए भैया, वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। समय बदल चुका है छोटे, और समय के साथ साथ खुद को बदल लेना चाहिए। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं और खुश भी हूं।
संभालिए इसे। मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की है, मुझे आदत नहीं इन सबको एक साथ रोड क्रॉस करवाने की। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलिए। आपको शुभकामनाओं के सिवाय कह दूं, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। माफ कीजिएगा मुझे लगा आप दोनों पति पत्नी हैं। जी नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं।